मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र के तेवर खास के पास कार हादसे में सिपाही की मौत हो गई। पुलिस ने सिपाही का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, बिलारी में एक सड़क दुर्घटना में बिलारी थाना कोतवाली में तैनात एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? बीती रात्रि में थाना बिलारी कार्यालय में नियुक्त हमारे साथी एक आरक्षी चंद्रशेखर नाम के, जो डाक का कार्य देखते थे और वो उसी दौरान रात्रि में खाना खाने के लिए होटल पर जा रहे थे, अकेले गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी एक पेड़ से टकराई है और उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। यूपी के कासगंज में जिले में सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शिक्षा के नाम पर विद्यालयों में जातिवाद हावी है। विद्यालय में दो समुदाय के बीच पक्षपात का रवैया अपनाया जा रहा है। कोई चीज तो अभी तक किसी विद्यालय में मेरे संज्ञान में नहीं आई कि एक कम्युनिटी के बच्चे के बर्तन धोए जाएं और दूसरे के नहीं, पर अगर ऐसा हुआ है तो रसोइयों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आज हेडमास्टर खुद कह रही थी कि हम मुस्लिम बच्चों के बर्तन रसोइया नहीं धो रही, तो इसको लेके क्या लगता है कहीं ना कहीं भेदभाव अपनाया जा रहा है शिक्षा में? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे बच्चे होते हैं और सभी समुदाय के बच्चे बराबर हैं। यदि ऐसा कुछ हुआ है स्कूल में तो कल जब मैं स्थलीय निरीक्षण के लिए जाऊंगी तो इस बात की स्वयं समीक्षा करूंगी और उसके बाद जैसा भी होगा तदनुसार अग्रिम कार्रवाई। कासगंज में गंगा में जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और जनपद कासगंज के गंगा किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए भी निर्देश दे दिए गए। कल मॉकड्रिल की गई थी, क्या था पूरा मामला? जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कल NDRF का पूरा मॉकड्रिल किया गया है कि हमारे यहाँ गंगा नदी काफी क्षेत्र से होकर के गुजरती है, तो उसमें बाढ़ की स्थिति में क्या क्या हमको सावधानी बरतनी है, किस विभाग के क्या क्या दायित्व तो है, किसको क्या क्या काम करना है और क्राइसिस होने पर कैसे रिएक्शन करना है, उसी की मॉकड्रिल कराई गई है और ये राज्य आपदा प्रबंधन उत्तर प्रदेश की है। अशंकालिक अनुदेशक कासगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह से मुलाकात की और एक मांग पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। उर्वशी जी, आपकी जो तनख्वाह नहीं मिल रही और उसमें भी इतनी सारी परेशानी उत्पन्न हो रही है, अभी योगी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, कहीं ना कहीं क्यों क्या प्रॉब्लम है जो आपकी तनख्वाह पूरी नहीं मिल पा रही? सर, ये चीज़ हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हमारे साथ में क्यों कर रहे हैं। एक तो 5-6 महीने हो गए हम लोग को मानदेय नहीं दिया, जनवरी से मानदेय नहीं मिला। दूसरा, सबका इंक्रीजमेंट होता है बट यहाँ पर डिक्रीज हो गया, मतलब 8.5 से भी 7,000 हो गया। सबसे मतलब पेनफुल बात तो ये है। और दूसरा, अभी तक रिन्यूअल का कुछ भी नहीं हुआ है हमें। आपका अमित कुमार। अमित कुमार, जो ज्ञापन देने आए हैं, क्या है पूरा मामला? हम लोग अंशकालिक निदेशक हैं जो 2011 की नियुक्ति के बाद से लगातार रेगुलर वर्किंग में हैं और लगातार पूर्ण निष्ठा से काम कर रहे हैं, लेकिन समय समय पे सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से आज हमारा मानदेय जो 84-70 है उसको काट कर उन्होंने 7,000 कर दिया और पिछले 5 माह से हमारा मानदेय लंबित है, जो जनवरी 1 जनवरी से अभी तक नहीं मिला है, उसको भी काट कर 2 महीने का मानदेय देने की प्रक्रिया शुरू हुई। समस्त जनपदों में वो बांट भी दिया गया लेकिन हमारे जनपद में अभी तक वो लंबित पड़ा हुआ है। हमारा रिन्यूअल भी नहीं हुआ है जो कि 20 मई तक पूरा पूर्ण हो जाना चाहिए लेकिन वो अभी भी लंबे थे। हम लगातार 25 जून से विद्यालय जा रहे हैं, आज 19 जुलाई हो गई, हमारा अभी तक नवीनीकरण नहीं है। हमें पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए हम शासन स्तर पर अपनी बातों को व्यक्त करते हुए ज्ञापन DM साहब को देने के लिए यहाँ उपस्थित रहे। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी को सोनभद्र में प्रशासन द्वारा रोके जाने से देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता खासा नाराज है। वहीं कासगंज में भी युवा कांग्रेस नेताओं में उबाल है। उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का पुतला फूंककर पुरजोर विरोध जताया है। मुरादाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने एक दवा कारोबारी से 15 लाख रुपए लूट लिए। दवा व्यापारी द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर व्यापारी को घायल कर दिया। लूट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मेरा नाम अमित कुमार है। कहाँ के निवासी? मैं 6B/71 बुद्धि विहार का निवासी हूँ। क्या मामला था? मेरा मेडिसिन का काम है
लगभग 2012 से मैं मेडिसिन का काम कर रहा हूँ। क्या मामला था, आज क्या घटना हुआ? लगभग मैं 4:15 बजे के आसपास यहाँ आया था, मुझे दिल्ली जाना था, दिल्ली मेरी अपॉइंटमेंट थी, दो जगह से प्रिंटर के पास जाना था जो मेरे डिज़ाइन वगैरह फाइनल होते हैं, और मेरा जो मेडिसिन के ऑर्डर लगते हैं वहाँ मुझे जाना था। हाँ, मेरे पास कुछ कैश मेरे बैग में रखा था, कुछ कैश मेरी अलमारी में रखा था, यहीं रखा था कैश। लगभग कितना कैश आपके पास था? लगभग 13 लाख रुपए के आसपास। पूरा कैश क्या ऑफिस में रखा हुआ था? हाँ, ऑफिस में रखा था। किस तरह से घटना को अंजाम दिया है क्या सर? मैं आप ऐसे समझिए, मैं ऑफिस आया, मैंने ऑफिस खोला, अब मैं आया सर, उसके बाद मैं अपनी फाइलें निकाल रहा था, कुछ पेमेंट का इशू था गाजियाबाद वाली पार्टी से, उन्होंने कहा बोले हमारे 4 लाख रुपए कैश निकल रहा है, हमने कहा 3 लाख, तो बोले सारी डिटेलें आप ले आओ, मैं सारी डिटेलें वगैरह हमें लेना आया था, ठीक है। मैं आया, इसी बीच दो लोग पीछे से आए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और सारी चीज़ें लेके चले। क्या क्या कोई पहचान सर? मैं उन्हें पहचान तो नहीं, मेरी कोई जान पहचान के नहीं, ना ही सर मेरी किसी से दुश्मनी है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं प्लस से ही हूँ, और ना ही मेरी कोई पहचान के, लेकिन इतना मैं जानता हूँ एक के बाल बहुत बड़े बड़े हैं, बीच में से मांग निकले, एक के बाल बहुत छोटे छोटे। अच्छा, आपके जो सर CCTV मैंने कल मॉर्निंग में फ़ोन करा था, इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि कल जैसे कैमरे चल रहे हैं उसके बाद पर झिलमिल झिलमिल होने लगती थी, और ज़्यादा दिक्कत आ रही, चलते चलते रुक रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने ये जो मेरे CC कैमरे वाले हैं इन्हें भैया को मैंने फ़ोन किया, मैं भाई क्या दिक्कत है, पुलिस को मैंने 100 डायल पर मैंने फ़ोन किया था, तब फायर भी हुए थे सर, फायर भी किस तरह से हमला किया, मुझे पीछे से पकड़ा था सर। किस चीज़ का व्यापार करते हैं? मेरा सर मेडिसिन का काम है, और नीचे जो मेरा नहीं मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है ट्रूबोस मेडी हेल्थ केयर सर। तो इससे पहले भी व्यवसाय के लिए क्या हमारा कैश लेके जाते थे? नहीं सर, वो कैश तो लेके नहीं जाता, लेकिन ये है कि कुछ ट्रांजेक्शन कुछ डॉक्टर्स के लिए गिफ्ट परचेज करने होते हैं तो वो कैश में ही करने होते हैं। लगभग इतना 6-7 किलो मतलब यहाँ पड़ा था, इस अलमारी में खुला हुआ पैसा पड़ा था। IDBI से लिया, IDBI से लिया तो कुछ मैंने कलेक्ट किया था। बुलंदशहर के सयाना क्षेत्र से कस्बा बुगरासी में आज वेरिएबल अस्पताल दोबारा उद्घाटन हुआ। आपको बता दें कि इस अस्पताल का निर्माण 7 साल पहले हुआ था। आज आप बुगरासी में हॉस्पिटल का अभी ओपन करने आए हैं दोबारा उद्घाटन, इसका नाम वेरिएबल हॉस्पिटल रखा गया, क्या वजह माने? पहले जो हॉस्पिटल था उसके बाद हम लोगों ने जो चलाने के लिए दोबारा किया, दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इसका नाम वेरिएबल रखा गया। लोग देहाती क्षेत्र का गरीब लोग हैं, इनके लिए कोई रियायत की भी संभावना है? आज उद्घाटन हुआ है, आज क्या क्या सुविधाएं हैं? मरीजों की जांच करी जाएंगे, वो मरीजों की दवाइयाँ फ्री दी जाएंगी, बाकी पेशेंट को आज अपने मरीज रजिस्टर्ड होकर उनका ऑपरेशन या जो भी कोई जाँचें करानी हो उसमें 50% का डिस्काउंट पीरियड में भी हो यहाँ। अच्छा, मेनली किन किन बीमारियों के लिए चार्ट किया गया है? सभी बीमारियों के लिए गाजियाबाद में सड़कों पर सरपट पटाखा फोड़ने जैसी आवाजें के साथ दौड़ने वाली बुलेट गाड़ियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, इससे यहां आमजन कई बीमारी। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी जिसमें कहा गया था कि देश में सबसे अधिक प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण मॉडिफाइड बुलेट द्वारा होता है। सड़कों पर आज सरपट पटाखा बुलेटें दौड़ रही है। आज गाजियाबाद में इनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है।
आम जनमानस यहाँ पर बहुत परेशान हो रहा है और इससे गर्भवती महिलाओं को अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ पर बहरेपन का भी शिकार हो सकते हैं। या गोविंदपुरम में देख आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार ये मनचले उत्पात मचाते नज़र आ रहे हैं, किस प्रकार से ये बुलेटों में से और पटाखा फोड़ आवाज़ निकाल कर आम जनमानस को परेशान कर रहे हैं। रामपुर के सैफनी में करंट लगने से बिजली कर्मी घायल हो गया, जिसे आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद के थाना मूढ़ा पांडे में एक बार फिर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर दहशत फैला दी है। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाहर सो रहे हैं बच्चे, अंदर सो रहे हैं आंगन में और पीछे कोमल करके घुस गए अंदर, क्या पता लग रहा है। कब की घटना है ये साहब? ये कोई पता नहीं, लेकिन सुबह देखा है जब आँख खुली है, सोकर उठे बिस्तर उस्तर समेटा है। अच्छा, तो कितना सामान गया आपका? सामान दो सिलेंडर हैं, बच्चों के पैसे हैं, तो 20,000 रुपये मैंने इंतजाम करके रखा, कल आज गेट के देने हैं और 9 चीज़ें हैं, 4 सोने की हैं, 5 चांदी की हैं और बच्चों के वस्त्र पहनने के हैं, 6 सदस्यों के। क्या चोर दीवार की तरफ से आए थे, दरवाजे की, या कैसे घुसे थे आपके घर? पीछे से साहब, कोमल तो पीछे से है, कटो पीछे से आए होंगे। अच्छा, तो क्या पुलिस आई थी मौके पर यहाँ? जी पुलिस सुबह आई है। इससे पहले भी इस गांव में ऐसी घटना हो चुकी है चोरी की? जी, चोरी या डकैती गांव में कटे थे कोमल साहब। क्या उसका खुलासा हो पाया पुलिस से? जी नहीं। अब क्या चाहते हो आप? साहब यही चाहते हैं कि हमारा सामान मिल जाए, अगर कहीं सूरत से मिले तो। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में CMS द्वारा वृक्षारोपण कराया गया। आपको बता दें कि गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कई महीनों में प्रदूषण के मामले में गाजियाबाद नंबर 1 पर है। प्रदूषण के स्तर को कम करने में वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके लिए सरकारी अस्पतालों में पौधे लगाए गए हैं। मेरठ में संदिग्ध हालत में गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद परिजन युवती को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस को लेकर किए जाने वाले बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई। जब एम्बुलेंस ना मिलने पर दर्द से तड़पती युवती को मजबूरन परिजनों को ई रिक्शा में मेडिकल ले जाना पड़ा। हालांकि जिला अस्पताल के डॉक्टर इसे खुद युवती के परिजनों का फैसला बताकर अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। मेरठ के SSP ऑफिस पर इंसाफ की गुहार लगाने आई गैंगरेप पीड़िता बेहोश हो गई। पीड़िता का आरोप है कि गैंगरेप का मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया और अब गैंगरेप के आरोपी पीड़िता को मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 4 तारीख में अपने घर से आई थी, 4 तारीख से मुझे 8 तारीख तक परेशान करा, 9 तारीख में मेरे साथ बलात्कार किया, फिर बलात्कार करके वो लोग चले गए और वो 9 तारीख से मकान में बंद थे। अब उन्होंने बात उन्हें छोड़ दिया, पुलिस ने छोड़ दिया। फिर अब क्या कह रही है पुलिस? थाने जा रहे हो? थाने में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने जेल में चलान कर दिया उनका, वो चलान गया नहीं है, चलान नहीं हुआ, उनको छोड़ दिया। मुजफ्फरनगर के चरथावल की बात करते हैं, जहां गांव कुलहेड़ी में एक परिवार पर बारिश कहर बनके बरपी है। जी हां, यहां बरसात की वजह से एक मकान की छत गिर गई, जिसकी वजह से उनका भारी नुकसान हुआ है। वहीं छत गिरने से एक बच्चा भी घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। आपका नाम? सराफत। बताइए पूरा मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ जी, बारिश 2-3 दिन से लगातार पड़ गई और पड़ने की वजह से बारिश में ये मकान गिर गया और बहुत मोटा नुकसान है जी, जो भी कुछ था सब कुछ दब गया, छप्पर पड़े हुए। अब लगभग कितना नुकसान है आपका? बस जी नुकसान क्या, बस सब कुछ दब गया इसमें। अच्छा, हाँ जी। किसी आदमी का चोट वोट तो नहीं लगी? चोट भी लगी बच्चों के। क्या बच्चों का लगी? 2-3 बच्चों का चोट लगी। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो यही चाह रहे हैं जी, कुछ सरकार योजना निकाल ली कुछ। ये यूरा एक बच्चा ये है जी, ये लग रही जी छोट बच्चे के। अच्छा, ये दब गया था इसके नीचे? हाँ जी। उरई शहर में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राजेंद्र नगर में एक खाली मकान में अवैध शराब की खेप बरामद की गई है। मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाए गए देसी शराब के रैपर और शीशी बदलकर जिले में उसे सप्लाई किया जाता था। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कुछ शराब पकड़ी हुई है, क्या मामला है पूरा? कितनी लीटर शराब बरामद हुई है? ये हमारी स्वाट टीम और थाना कोतवाली उरई
और हमारे सी ओ सिटी और हमारे एडिशनल एस पी साहब की ज्वाइंट एफर्ट्स के कारण बहुत ही अच्छा काम हुआ, जिसमें 102 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसमें 4896 क्वार्टर हैं और इसके साथ ही 80 लीटर अपमिश्रित शराब के दो कैन भी मिले हैं। और इनकी एक आल्टो गाड़ी जिसमें ये सभी शराब को पैक करने के बाद जो ये नकली रैपर और बोतल लाके जिसमें ये पैक करते थे, नकली इसमें लगा के ढक्कन वगैरह, और इसमें एक आदमी को गिरफ्तार भी किया गया है। और ये पहले भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें इसने 2017 में एक मुकदमा था इसका, 2018 में भी इसमें इसी तरह 60 अबकारी अधिनियम के अंतर्गत इसको पहले भी सजा हुई है। और ये अभियुक्त जो है ये धर्मेंद्र राजपूत है, जो कि आटा थाने का रहने वाला है, और इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ से ये रैपर और ढक्कन वगैरह लाते हैं उसकी भी हमें जानकारी मिली है, और उस पर भी जल्दी दबिश डालकर इस तरह की घटनाओं को होने से रोका जाएगा। ये मध्य प्रदेश मार्का की ये शराब थी जिसको ये मिला के बेच रहे हैं, और ये भी देखा जाएगा कि ये शराब पैक करने के बाद कहाँ कहाँ दी जाती है। कुछ सूचना आ रही है कि सरकारी ठेकों पर भी दी जाती है, तो इस तरह की हम उसकी पूरी जांच करके इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, सदैव जो है शराब माफिया इस अभी पकड़ से दूर रहते हैं, उनके साथी अगर पकड़े जाते हैं, मुख्य बिंदु तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। हमारी टीम अब इन छोटे मोटे लोगों को पकड़ने के अलावा इनके जो ऊपर जो इनके सरगना है, बॉस हैं, उन तक पहुँचने के लिए हमारी पूरी इंटेलिजेंस लगेगी, और हम लोग इसकी पूरी जांच करके और इनके पूरे अच्छे से इस पर हम लोग हकीकत करके जो इनके असली सरगना है उन तक हम पहुंचेंगे। सर, इतनी बड़ी सफलता है, स्वाट टीम या और कोतवाली को कुछ पुरस्कृत किया जाएगा? हाँ, ये क्योंकि 3,20,000 के आसपास इसकी कीमत आंकी गई है जो टोटल शराब पकड़ी गई है, तो मैं इसमें हमारी स्वाट टीम को 5,000 रुपये का इनाम और हमारी कोतवाली के जो इंस्पेक्टर हैं उनके टीम को भी 5,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा करते हैं। बुलंदशहर पुलिस का शूटआउट ऑपरेशन जारी है। बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस और मोबाइल फोन और स्कूटी लूटकर भाग रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान ही मेरठ के इनामी बदमाश शहजाद के पैर में गोली लगी है, जिसे खुर्जा सूरजमल जटिया सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने लुटेरे से एक तमंचा, कई कारतूस और स्कूटी बरामद की है। सर, ये जो आज की घटना है इसके बारे में बताइए सर, कैसे क्या हुआ? सर, आज रात 11:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा बताया गया कि एक बदमाश, दो बदमाश जो स्कूटी पर सवार हैं, हेलमेट लगाए हैं और एक व्यक्ति से मोबाइल लूट करके भागे हैं। इस सूचना पर तत्काल खुर्जा नगर इंस्पेक्टर और उनकी टीम जंक्शन चौकी इंचार्ज उसका पीछा किए, और पीछा करते वो लिंक रूट पर मुड़ गया। पुलिस पार्टी द्वारा उनके रोकने का प्रयास किया गया, तत्काल बदमाशों द्वारा उनके ऊपर फायर किया गया, और फायर से अपने को बचाव करते हुए आत्मरक्षा पुलिस ने गोली चलाई जिससे उसके पैर में लगा है। दूसरा बदमाश जिसका नाम आशिफ था वो भागने में सफल हो गया, और जिसको गोली लगी है उसका नाम शहजाद है, जो खिरवा जलालपुर थाना सरधना मेरठ का रहने वाला है। इससे लूटी हुई मोबाइल बरामद हुई है, स्कूटी बरामद हुई है, साथ में 315 बोल्ट का तमंचा बरामद हुआ है। तत्काल उसको जिला उपचार हेतु जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है, और उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो ये पता चला है कि इसके खिलाफ करीब 10-12 मुकदमे हैं। अन्य मुकदमों के बारे में जानकारी की जा रही है। इन मुकदमों में काऊ स्लाटर एक्ट के भी मुकदमे हैं, और 307 के हैं, गैंगस्टर के हैं, और लूट के कई मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। अन्य मुकदमों के बारे में अन्य थानों से जानकारी की जा रही है। नर्सिंग कॉलेज की आड़ में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था का जीता जागता नमूना आज ग्वालियर नर्सिंग छात्रों के बीच दिखा। बीच सत्र में नर्सिंग कॉलेज की मान्यताएं रद्द कर दी गई, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अंधेरे में आ गया है। पांडे, मैं नर्सिंग छात्र संगठन से वैसे अध्यक्ष की मेरी नियुक्ति हुई है। किन परेशानियों को लेकर आज छात्रों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छात्रों की लड़ाइयों के लिए आयोजित की गई है। प्रशासन और कॉलेज वालों की लड़ाई के बीच में किन कॉलेज 72 नर्सिंग कॉलेज की ग्वालियर में और 108 नर्सिंग कॉलेज मध्य प्रदेश में
20 सत्रवा मान्यता रद्द कर दी गई है, जिससे 5000 बच्चे हमारे अंचल के प्रभावित हुए हैं। सारे बच्चे मध्यम मीडियम क्लास फैमिली से हैं, फीसों को वो कर्जे पे और लोन के द्वारा उन्हें भरी है। अगर 20 सत्र में उनकी मान्यता रद्द कर दी गई तो बच्चे जाएंगे कहाँ? क्या वजह सामने आई है? ये ने एक नियम लागू किया है कि 100 बेड का हॉस्पिटल होगा तभी ये नर्सिंग कॉलेज चला सकते हैं। अगर इनने ये नियम लाया है तो इनको 20 सत्र में लाने की ज़रूरत क्या थी? ये इनको उसी वक्त लाना चाहिए था जब कॉलेजों की एडमिशन होते हैं। और इस नियम में इन्हें दो रूप रखे हैं, दोहरा रूप रखा है। कुछ कॉलेजों की जिनकी इनकी सेटिंग हो गई है उनको उनने मान्यता दे दी है, उनके पास भी अस्पताल नहीं है, और जिनकी नहीं हुई है उनको नहीं दी है। हम कॉलेज प्रशासन के बिल्कुल समर्थन में नहीं है। अगर उनकी पास वो मापदंड नहीं कर रहे हैं तो उनके कॉलेज बंद होना चाहिए। क्या लगता है भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर? भ्रष्टाचार बहुत बड़े व्यापार में रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल में भ्रष्टाचार किया है। इसमें मंत्री DME सब लिप्त हैं, और YouTube पे एक चल भी रहा है कि 40 लाख रुपए का इसमें बड़ा लंबा हेरफेर हुआ है। ग्वालियर शासन प्रशासन की क्या हालत है? ग्वालियर शासन प्रशासन इस वक्त कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम सारे विधायकों को घेराव कर चुके हैं। कल विधायकों के मुखिया ज्योतिराज सिंधिया का हमने मांडे वाली माता पर घेराव किया था, उन्होंने हमारे कलेक्टर साहब मीटिंग रखाई, उन्होंने भी हमको आश्वासन देकर टाल दिया। पर अब नर्सिंग छात्र संगठन रुकने वाला नहीं है। छात्रों की लड़ाई के लिए कल हम एक बड़ी रैली के साथ समायुक्त को एक लास्ट चेतावनी ज्ञापन देंगे, और उसके बाद हमारे चिकाने धरने पर बैठेंगे। शर्मा स्टूडेंट है? हाँ जी, फर्स्ट ईयर। कौन से कॉलेज? KS नर्सिंग कॉलेज। क्या परेशानी है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है? हम लोगों ने जब एडमिशन लिया था 2018 में अगस्त में, तब हमने INC से प्रूफ जो सब लोग देखते हैं तो हमने वही देखकर एडमिशन लिया। हमारी क्लास चल रही है, पढ़ाई हो रही है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं जो कि होने चाहिए। फिर उसके बाद जनवरी में फरवरी में सूची निकाली जाती है कि हमारे एग्ज़ाम नहीं होंगे, हमारी मान्यता रद्द कर दी गई है कॉलेज की। ऐसे कैसे रद्द कर दी गई है? हम लोगों तो एग्ज़ाम देने ना, हमने पढ़ाई की है, फ़ीस दी है, घर वालों ने इतनी मुश्किल से, घर से बाहर हम लोग रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो फिर एग्ज़ाम, हमें तो सिर्फ अपने एग्ज़ाम चाहिए, हमें पढ़ना है, करियर का सवाल है। जिस समय आपने जो एडमिशन लिया था, उसमें मान्यताएं थीं कॉलेज थी, हम अब हम लोग इतने तो हैं ना कि मतलब देख सकते हैं कि हमने मान्यता है या नहीं। प्रबंधन का क्या कहना है? कि आश्वास, जहाँ भी हम लोग गए, भोपाल गए थे हम सब लोग, और कल वहाँ गए थे मार्डर की माता सिंधिया जी मिले थे, सब लोग यही बोल देते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि अभी हो जाएगा, कब होगा। वो क्या करेंगे इसमें? ये तो सब वही है ना, वो लोग क्या करें इसमें? जब कॉलेज की भी तो कुछ गलती होगी, कॉलेज की होगी, वो हमें उससे कोई मैटर नहीं करता ना, हमें तो अपने एग्जाम चाहिए। कितने सारे हैं? 10,000 लोग हैं जहाँ तक इतना मैं जानती हूँ, उसके अलावा मुझे नहीं पता। हम लोग तो ये ना घर वाले सवाल कर रहे हैं, घर वाले परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं, मानसिक रूप से सब परेशान हैं करियर को लेके। तो हमें नाम गुंजन शर्मा। ग्वालियर में गिरवाई थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को लूट के माल सहित गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा हुआ था, अभी ये छोटी छोटी लूटें हो रही थी, इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हम सभी थाना प्रभारियों को, CSP को, सभी को निर्देशित किया गया था, जिसमें हम सब लोग लगी हुई थी। इसी दौरान 10/7 को सिकंदर कंपूर जो कलारी है, उसके पीछे वाली जो श्री कृष्ण कॉलोनी है, उसकी रोड पर जो एक माता जी हैं, उम्र करीब 70 वर्ष थी उनकी, सावित्री देवी और शर्मा थी, श्री कृष्ण कॉलोनी में थी। एक जगह से भोजन करके अकेली अपने हाथ में ये बैग लेकर आ रही थी, जो रखा हुआ है ये बैग लेकर आ रही थी, और उसमें जो है पैसे थे, उनका मोबाइल था, चाबी गुच्छा था, दवाइयाँ थी। ये 2 लड़के आते हैं जो आरोपी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ये पीछे से एक चला रहा था, एक्टिवा वाइट थी, पीछे बैठा हुआ था, इसने झपट्टा मारा और ये जो है इस तरह से मोबाइल, पैसा, बैग जो है लूट कर ले गए। उसके बाद और पुलिस सक्रिय हुई, थाना प्रभारी गिरवाई श्री वीरेंद्र कुशवाहा नए आए हैं, और इन्होंने आते से ही सिविल ड्रेस में अपने आदमी लगाए, स्वयं ही श्रीमान के निर्देश, SP साहब के निर्देशानुसार, एडिशनल SP साहब के निर्देशानुसार हमने सिविल में कार्रवाई की, लग के कार्रवाई की। इनका कहीं कोई अता पता नहीं था, सिर्फ व्हाइट एक्टिवा थी और 2 लड़के थे नई उम्र के। उसके आधार पर TI साहब ने, SO साहब ने बहुत मेहनत की और ये वारदात ट्रेस हुई। गया हुआ बैग, पैसे, मोबाइल सभी कुछ उसमें बरामद हुआ। अन्य चोरियों के भी मोबाइल, लूटों के मोबाइल भी इनसे बरामद हुए हैं। लगभग ये दोनों जो आरोपी हैं ये नई उम्र के लड़के हैं, इनकी एक पूरों की एक यूनिट है, ये 8-10 लोग अपने साथ मिलके इन पर 2-3-4 गाड़ियां जो भी बरामद की कार्रवाई हम कर रहे हैं आगे से, उनसे ये वारदातें करते हैं। विशेष रूप से जो महिलाएं हैं बैग लेके जा रही हैं, उनका छीनना तथा
जो बुजुर्ग लोग हैं मोबाइल लेके जा रहे हैं, गाड़ी पे लेके जा रहे हैं, तो मोबाइल झपट्टा मार के लूट लेना, ये इनकी जो है मोटर सेपरेटली है। तो इस तरह से ये बरामद हुए हैं और हमें लगता है कि लगभग एक दर्जन वारदात ये बता रहे हैं कि हमने किए हैं। उसके संबंध में थाना पड़ाव इंदरगंज, जनकगंज, माधोगंज और अन्य थानों ने आकर पूछताछ की है, वो पुलिस रिमांड लेंगे और इसमें माल की रिकवरी हम करें। तो कितने लोग हैं और कहां कहां के रहने वाले? ये सब यहीं के रहने वाले हैं और ये जो है ये दोनों आरोपी जो पकड़े हैं अभिषेक और राहुल, ये दोनों जो है सिकंदर कंपू और समाधिया कॉलोनी के हैं और निश्चित रूप से ये नशेड़ी भी हैं। पार्टी करने के लिए, पैसे के जुगाड़ के लिए ये लूटपाट।